उत्तर प्रदेश की राजधानी में नीट और जेईई की परीक्षा के खिलाफ आंदोलन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बीजेपी के फायर ब्रांड चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि फेसबुक और ट्विटर की राजनीति करने वाले, हमेशा शिक्षा के प्रति युवाओं को गर्त में डालने वाले ये सपा नेता इन दिनों आज के युवाओं को भी गुमराह करने के लिए संक्रमण का बहाना बताकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप लोगों को संक्रमण से बचाएंगे और युवाओं को रोजगार देने में भी सफल होंगे। जो ट्विटर की राजनीति में अपने आप फेल हो गए, वे झूठी राजनीति को चमकाने के लिए युवाओं को गुमराह करना चाहते हैं, जिसमें उनकी दाल नहीं गलने वाली है।